गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मायसेल्फ जनसारी किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12। द नेम ऑफ द चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इन अ लास्ट लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 12.1। नाउ let's see basic concept of exercise number 12.2. so basic concepts 12.3, area of sector and segment of circle. area of the circle, any part of the circumference of a circle is called its arc. any part of the circumference of a circle is called its arc. the length of arc is denoted by L. okay, so length of the arc is denoted by L. now minor arc or major arc. so sabse pehle minor, so an arc whose length is less than half circumference. minor arc ka meaning hai an arc वूज लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है, इज लेस देन हाफ द सर्क्यूफरेंस, उसकी लेंथ हाफ सर्क्यूफरेंस से कम है, ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द माइनर आर्क. इन द गिवन फिगर ए पी बी इज अ माइनर आर्क. यहाँ पर जो ए पी बी है, ये वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क. अगर मेजर बोले तो ए क्यू बी, वो क्या हो जाएगा, मेजर आर्क. यहाँ पर ए पी बी यानी इतनी जो है वो क्या है, माइनर आर्क. ओके, नाउ मेजर आर्क, द आर्क वुज लेंथ इज मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड अ मेजर आर्क. ओके, हाफ द सर्कुलेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द मेजर आर्क इन द गिवन फिगर ए क्यू बी. ए क्यू बी वो क्या है, मेजर आर्क. नाउ सेमी सर्कल आर्क, सेमी सर्कल आर्क यानी एन आर्क वुज लेंथ इज इक्वल टू हाफ द सर्क्यूफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर आर्क. तो सेमी सर्कुलर आर्क का मीनिंग होता है जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल टू हाफ द सर्क्यूफ्रेंस, सर्क्यूफ्रेंस से कितना होनी चाहिए, हाफ, तो दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर आर्क. नाउ फॉर्मूला, इफ द रेडी थ्रू एंड पॉइंट A and B of the minor arc APB are included at the length of degree measure theta and the radius of the circle is R, then length of minor arc, length of the minor arc ka formula hai, length of the minor arc yani theta divide 360 multiply 2 pi R. फिर से minor arc है उसका formula है theta, यहाँ पर theta की value है जितना भी एंगल है, जितने का भी वो 90 का है या 80 से 80 है, 50 है, जितना भी, तो वो थीटा डिवाइड 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर. ओके, एंड लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, तो ए क्यू बी, तो सर्क्यूमफरेंस माइनस लेंथ ऑफ द माइनर आर्क. तो सर्क्यूमफरेंस में से अगर जो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क के अगर वो डी माइनस कर दिया तो हमें मिल जाएगा मेजर आर्क. नाउ तो लेंथ ऑफ द मेजर आर्क प्लस लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज इक्वल टू माइनर आर्क और कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, दोनों को प्लस करेंगे तो सर्क्यूफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा. ओके, नाउ सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर किसको बोलते हैं, तो ये जो सेक्टर है, ओके, सेक्टर ऑफ द सर्कल, द पोर्सन ऑफ अ सर्क्यूलर रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क. ओके, द पोर्सन ऑफ द सर्क्यूलर रीजन एनक्लोज बाय द आर्क, आर्क से जो एरिया कवर किया है, ओके, टू रेडीज से, जैसे यहाँ पर ओ ए और ओ बी रेडीज है, ठीक है, देख लो ओ ए और ओ बी क्या है, रेडीज है, इसके अंदर जो ये एरिया है उसको बोलते हैं सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर. ओके, तो द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय एन आर्क टू रेडियस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द
arc is called a sector of the circle. Now minor sector. A sector is called a minor sector in its corresponding arc is minor arc. It is a given figure. The shaded region. Shaded region OAPB is a minor sector. ये जो shaded region है उसको बोलते हैं minor sector. Now major sector. A sector it is called a major sector. It is a corresponding arc. Is a major arc. Is a given figure. Unshaded. यानी A Q A उसके बाद क्या है O B Q A या फिर हम बोल सकते A O B Q. तो ये जो है वो मेजर सेक्टर है. ये अनशेडेड, इसमें शेडेड किया नहीं है. नाउ एंगल ऑफ द सेक्टर. द एंगल विच द करस्पोंडिंग आर्क ऑफ अ सेक्टर सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द सर्कल. यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ द सर्कल. नाउ नेक्स्ट. इन द गिवन फिगर theta is the angle of the minor sector OAPB and theta 360 minus theta is the angle of major sector OBQA. Clearly angle of the minor sector is smaller than 180 and the angle of major sector is more greater than 180. Formula hai. So in the circular with a radius r, if the angle of minor sector has degree measure theta, the area of minor sector theta divided 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर. तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर. तो पाई आर स्क्वेयर माइनस थीटा डिवाइड 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर. तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा डिवाइड 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर. ओके. नाउ पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर. तो पैरामीटर में क्या होगा, ओ ए ओ बी प्लस लेंथ ऑफ द आर्क. ओ ए यानी पैरामीटर है जो माइनर सेक्टर है ओ ए पी बी. तो ओ ए ओ बी यानी दोनों रेडियस और प्लस लेंथ ऑफ द आर्क ए बी यानी उसको बोलते हैं एल यानी आर आर प्लस एल. ओके. तो उसका मीनिंग 2R और एल का मीनिंग क्या होता है, थीटा डिवाइड 360 मल्टीप्लाई पाई आर टू पाई आर. तो सेगमेंट ऑफ अभी सेगमेंट आया. तो सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल द पोर्सन of a circular region. Segment का मीनिंग समझ लो, the portion of a circular region bounded by an arc and the chord. Bounded by the arc और chord. देखो यहाँ पर ए बी chord है, देख लो ए बी chord है और ये क्या है arc है. तो arc और chord के बीच का जो area है तो that is called segment. फिर से repeat करता हूँ, आर्क यानी ए पी बी ये आर्क है और ये ए बी कोड है, तो उसके बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं सेगमेंट. ओके. सेक्टर में पूरा आता है, जैसे ये ए ओ ए पी बी ये क्या हो गया सेक्टर हो गया और सेगमेंट क्या हुआ, तो ए बी पी यानी ये ए बी ये आर्क ए बी पी यानी आर्क और ए बी क्या है कोड, उसके बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं सेगमेंट. The portion of circular region bounded by arc in the chord joining to end point of the arc is called the segment of the circle. Now minor segment of the segment is called is a minor segment if its boundary arc is minor. उसकी अगर boundary minor में है तो minor segment कहना आएगा. Okay. Minor arc is the other word as a segment less than a semicircle is called the minor segment. In the given figure, the shaded portion denoted that is a minor segment APB. Okay. इस तरह से भी major segment, उसके बाद का जो है जैसे कि यहाँ पर दिया है कि BQA, BQA क्या गिनाएगा, major segment गिनाएगा. Okay. Now formula उसका भी है कि भाई ये segment कैसे find out करते हैं, तो area of the minor segment कैसे find out करेंगे, तो area of the minor segment. Okay. एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, सेक्टर क्या है ओ ए पी बी माइनस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे कि एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया निकाल दिया तो आपको मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया. ओके. सो एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल, अभी एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, मेजर का क्या होगा,
तो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनोर सेक्टर, माइनोर सेगमेंट का निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का मिल जाएगा. ओके, हियर द एरिया ऑफ द ओ ए बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू आर स्क्वेयर. हियर द एरिया ऑफ द माइनोर सेगमेंट थीटा डिवाइड 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू आर स्क्वेयर. ओके, ये दूसरा एक मेथड है. ओके, चलो एरिया ऑफ द माइनोर सेगमेंट बाय यही फॉर्मूला याद रखो कि थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर. ओके, तो वन हाफ मल्टीप्लाई थीटा डिवाइड 360 टू पाई आर और मल्टीप्लाई आर, तो वन हाफ एल मल्टीप्लाई आर, तो वन हाफ आर एल. तो ये फॉर्मूला एल का अगर दिया है, अगर एल दिया है तो आप ये फॉर्मूला से उसको फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज 12.2. तो 12.2 में क्या दिया है, यहाँ पर भी सेम थिंग के पाई की वैल्यू जब तक बोली नहीं तब तक हमें क्या लेनी है, 22/7. फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60. ओके, तो फॉर द गिवन सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस आर 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेगमेंट, ओके एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा 60 दिया है. तो माइनोर जो सेक्टर है उसका फॉर्मूला है, ओके हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ द माइनोर सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, हमें आर दे दिया है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6, एंगल दे दिया है हमें 60, तो उसका आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. थस द एरिया ऑफ द गिवन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सी द सेकंड वन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी फोर्थ पार्ट. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर. ओके, अभी देखिए, लेट ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रेंट, यहाँ पर एक हमने ड्रॉ किया है कि ओ ए पी बी ये क्या है, हमारा क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है, फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल. नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल इज 22 सेंटीमीटर. ओके, तो 2πr इज इक्वल टू 22, तो हमें पहले r की वैल्यू फाइंड आउट, तो r की वैल्यू क्या मिली, पाई बाय 2, r की वैल्यू 7/2, यहाँ भी 7/2. अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, इसका 1/4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1/4. थस द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज 7/2 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट सर्कल 1/4 पाई आर स्क्वेयर. जैसे सेमी सर्कल का क्या था, 1/2 पाई आर स्क्वेयर, सर्कल का पाई आर स्क्वेयर, यहाँ क्वाड्रेंट है तो 1/4 पाई आर स्क्वेयर. तो 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 और पाई की आर की वैल्यू 7/2 यानी हमें आंसर मिलेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर. थस द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट वन. जो नेक्स्ट सम है वो देखते हैं कि नेक्स्ट में दिया है द लेंथ ऑफ द मिनिट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनिट हैंड एंड क्लॉक इज अ 14 सेंटीमीटर. जो लेंथ है मिनिट हैंड की, उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनिट हैंड इन अ 5 मिनट, 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करता है. तो इन द मिनिट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट वन फुल सर्कल 60 मिनट. ओके, यानी 1 आवर में. एंगल सब्सटेंडेड बाय द मिनिट हैंड इन 60 मिनट में 360 होता है, तो 5 मिनट में कितना होगा, 30 का एंगल बनेगा. हैंस द रीजन स्वेप्ट बाय द मिनिट हैंड इन 5 मिनट इज अ माइनोर सेक्टर विथ अ रेडियस आर इज इक्वल टू 14. आर इज इक्वल 14 दे दिया, गिवन बाय द लेंथ ऑफ द मिनिट, थीटा की वैल्यू 330, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर. तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा डिवाइड 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. तो 30/360 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू है 14/14, यानी आंसर मिला 154/3. थस द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट, ओके है मिनट हैंड इन अ 5 मिनट्स इन 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ सी द नेक्स्ट वन. The chord of the circle of radius 10 centimeters
सबस्टेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनोर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर. ये देखो ये सेगमेंट है और ये सेक्टर बोला है. तो यूज पाई इज़ इक्वल टू 3.14. यहाँ पर बोल दिया है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है. ओके, नाउ हियर रेडियस ऑफ द सर्कल. यहाँ पर देखो हमें एक सर्कल दिया है जिसमें हमें क्या दिया है, ओ ए बी, ये ट्राइंगल दिया है, ये 90 का एंगल है, ये जो रेडियस है वो बोल दिया हमें 10 सेंटीमीटर. नहीं, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा. ओके, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, दो चीज़ें. एक तो माइनोर सेगमेंट यानी ये एरिया, ये वाला फाइंड आउट करना है, और दूसरा मेजर सेक्टर यानी उसके अलावा ये जो पूरा है वो सेक्टर फाइंड आउट, सेगमेंट नहीं, वो सेक्टर फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ हियर रेडियस ऑफ द ट्राइंगल पाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एज सॉरी एंगल ऑफ द माइनोर सेगमेंट 90. एरिया ऑफ द माइनोर सेक्टर, पहले एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या क्या होगा, पाई बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर. तो 90 बाय 360 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 यानी हमें मिला 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके, नाउ ट्राइंगल ओ ए बी जिसमें ओ की वैल्यू है 90, तो हमें एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी का एरिया तो 1/2 ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी. ओके, तो 1/2 10 मल्टीप्लाई 10 तो 50 हो गया. तो अभी पहले माइनोर सेगमेंट, तो माइनोर सेगमेंट क्या होगा, तो माइनोर सेक्टर में से, माइनोर सेक्टर में से ट्राइंगल ये जो हमने ओ ए बी एरिया फाइंड आउट किया वो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनोर सेगमेंट की वैल्यू मिल जाएगी. तो एरिया ऑफ माइनोर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनोर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो 78.5 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर में क्या होता है कि सर्कल में से ये जो माइनोर माइनोर सेक्टर का जो एरिया है वो माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वेयर में से यानी एरिया ऑफ माइनोर मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनोर सेक्टर. ओके, माइनोर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो पाई आर स्क्वेयर माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 78.5 ये माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर. थस द एरिया ऑफ द माइनोर सेगमेंट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये सर्कल ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबस्टेंड एंगल ऑफ 60. ओके, नाउ द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क जो है लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोण. तो हमें ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले फॉर द गिवन सर्कल रेडियस 21 है एंड द एंगल ऑफ माइनोर सेक्टर थीटा एंगल सबस्टेंट, वो एंगल ए पी बी, ए पी बी का हमें एंगल कितना लेना है 60. तो लेंथ ऑफ द आर्क, पहले लेंथ यानी एल फाइंड आउट, तो थीटा डिवाइड 360 पाई आर एल, तो 60 बाय 360, 2 की जगह 2, पाई की 22, आर की जगह 21, तो हमें मिला 22. ओके, यानी एरिया ऑफ द माइनोर सेक्टर, अभी एरिया ऑफ द माइनोर सेक्टर तो पहले हमने लेंथ फाइंड आउट की ए पी बी की, तो अभी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ माइनोर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर ओ ए पी बी. ओके, तो उसका है थीटा डिवाइड 360 पाई आर स्क्वायर, तो 60 बाय 360 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो आंसर हुआ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ इज इक्वल 60, ओ ए और ओ बी इज 21 क्योंकि वो रेडियस है. नाउ ट्राइंगल ओ ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 120, ए और बी दोनों कितने हैं, इक्वल है. ओके, तो दोनों की वैल्यू, सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 60, यानी इक्विवेलेंट ट्राइंगल हो गए. इक्विवेलेंट ट्राइंगल हो गए तो हमारा ये जो ए बी है उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी. ओके, इक्विवेलेंट ट्राइंगल हो गए तो ए की वैल्यू 21 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द इक्विवेलेंट ट्राइंगल, एरिया फाइंड आउट कर, तो एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ट्राइंगल अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, अंडर रूट 3/4, 21 मल्टीप्लाई 21, तो आंसर हुआ 441 अंडर रूट 3 डिवाइड 4.
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एपीबी, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओएपीबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, तो सेगमेंट की वैल्यू आ जाएगी तो 231 माइनस 441 अंडर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. थस द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट 231 माइनस 441 अंडर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से बाकी जो सम है वो आपको करने हैं. तो यहाँ पर ये आपका जो 12.2 यहाँ पर कंप्लीट होता है. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.3, मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन करूँगा. आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा पता चल गया होगा. थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.